अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ाहिद अल-खैरी। आप देख रहे हैं टाउनशिप लाहौर ऑफिशियल पेज। इस टाइम मैं मौजूद है जी मोचीपुरा स्टॉप पर, और ये ट्रैफिक के मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि 8 बजे सारे कारोबारी दुकानें वगैरह जो है ना वो बंद होनी है। लेकिन मामला देखें, इधर शायद लाइट गई हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम जबार भाई, राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक होंगे। ये जो आप देख सकते हैं जी आइडियल सेंटर है जी, आइडियल सेंटर है, मोबाइल की मार्केट है। यहाँ पे आपको नए पुराने मोबाइल मिलते हैं। यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं जी अल मदीना रोड मेन मार्केट टाउनशिप में, और उसके मनाजिर आप दिखाते हैं हम आपको। कुछ लोगों ने ये देखे ना, कश्मीर रोड पर लाइट गई हुई है, कुछ लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं। और वकास भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं बड़े भाई? ये जी यहाँ पर लाइट गई हुई है और कुछ दुकानें अभी बंद हो रही हैं, और जिनके UPS ऑन है उनकी लाइट भी ऑन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 11-12 स्टॉप है जी यहाँ पर। ये 11-12 स्टॉप के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ कूड़ा मौजूद है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ जी, यहाँ पर भी कूड़ा मौजूद है यहाँ पर, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे काश भाई आपको। और ये देखें 11-12 स्टॉप की मनाजिर है, और ये उसकी जो दूसरी तरफ है बैक साइड पर, वहाँ पे भी आपको साफ कूड़ा नज़र आ रहा है, जगह जगह कूड़ा है, और सफाई वाला हालात बहुत कम है यहाँ पर। ये भी अलमदीना रोड है, और 11-12 स्टॉपें मौजूद हैं, और ट्रैफिक के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये जी ये सामने रोड जा रहा है, आसिफ टिक्का वगैरह है यहाँ पर, बारबेक्यू की एक स्ट्रीट बन गई हुई है यहाँ पर। और ये ट्रैफिक है और मोचीपुरा स्टॉप से आ रही है, और यहाँ से ये सीधी यहाँ से निकल रही है बरकत चौक की तरफ। जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फरहान भाई? खैरियत से हैं आप फरहान भाई? अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा करे, हम दिल से दुआ करते हैं कि पुराने वाले हालात आ जाएं, और आपसे हफ्ते में एक बारी दो बारी मुलाकात हो। अब हम भी काम से निकले हैं वापसी पे, तो दिल किया वीडियो बनाने का, तो आप भी बंद करने वाले होंगे, 8 बज रहे हैं, लॉकडाउन की तैयारियाँ, लोग बंद कर रहे हैं दुकानें। ये देखिए ना, सर्विस शॉप है, तो ये भी बंद हो रही है इस टाइम, वो आगे काफ़ी दुकानें बंद हो गई। वैसे भी लाइट का इंतज़ाम, फिर लाइट ख़राब हो गई है, अब लाइट जाने लगी है। कई बेचारे UPS के कईयों के पास मामला नहीं है इतनी कि वो बेचारे UPS लगाएं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कूड़े के, चलें आपको मार्केट की ज़ियारत कराते हैं, मार्केट विज़िट करवाते हैं भाई। एक ये दुकान है, ये भी बड़ी अच्छी बड़ी दुकान है, यहाँ पे बड़ी सेल लगती है, ये भी बंद हो चुकी है, बाटा भी बंद हो चुकी है। हालांकि अभी पूरे 8 नहीं बजे, और ये माशाल्लाह अल्लाह का प्यारा घर है, हमारी टाउनशिप की बहुत प्यारी मस्जिद, मरकज़ी जामिया मस्जिद अल मदीना। ये देख सकते हैं साथ में इर्द गिर्द की दुकानें आस्ता आस्ता बंद हो रही हैं, और ये जूतियों वाली, पठानों की शूज़ों वाली मार्केट है। ये माशाल्लाह चांद रात को भी खुली थी, उससे पहले भी खुली थी। अल्लाह इनके कारोबार को ऐसी बात रखे जी, जो मामला चल रहे हैं किराए वाले, मेन पे किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, देने पड़ते हैं भाई, जो ना दे फिर वो छुट्टी करा देते हैं मालक। ये जी ईद के दिनों में आते हैं कतलम्बे वाले, यहाँ पर अभी भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं। ये जी पुलिस वाले भी इधर खड़े हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप अलमदीना रोड टाउनशिप के मनाजिर हैं। यहाँ पे ये जी शेख गारमेंट्स वाले हैं, तो फिर मार्केट में फरहान भाई, माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े होते हैं इनके पास, ईद की शॉपिंग के लिए लोग भी आए होंगे। और वैसे भी एक ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर लोगों का, ये
यहाँ पे आते जाते रहते हैं माशाल्लाह, और दुकान भी माशाल्लाह अच्छा सामान है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे पहनने वाले यहाँ पे आते हैं। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप ही आया करें, और आप दोस्तों के लिए शॉप बनाई है माशाल्लाह भाई ने जी। ये आप देख सकते हैं, अब हम बरकत चौक की तरफ जा रहे हैं, और ये दुकानें माशाल्लाह यहाँ पर लाइट अवेलेबल है और लाइट आ रही है। यहाँ पे सारी दुकानें माशाल्लाह खुली हुई है। हमारी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह करे ये सारी दुकानें बस एक आधे हफ्ते में दोबारा लान हो जाए, जल्दी जल्दी सारे मामला बेहतर हो जाए, ये तब्दील हो जाए मामला। मैं जी अब आगे आपको दिखाते हैं जी, ये ट्रंकों पेटियों वाली कूलरों वाली गली है जी, और ये गौर में है, ये भी बंद हो रही है। तो काफ़ी दुकानें हैं माशाल्लाह अभी तक खुली हुई हैं, ये रोन के बहाल रहे हैं। अल्लाह के रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आगे दुआ है कि मामला जल्दी जल्दी ये वबा वाला ख़त्म हो जाए, तो ये दोबारा से मामला सारे बहाल हो जाए। सबके रोज़ी रोटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, माशी हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और विकास भाई ये देख सकते हैं BFC, माशाल्लाह BFC एक नाम है इनका, एक नाम है मकाम है। और ये अलफजल रेस्टोरेंट वाले हैं, यहाँ पे शेख समोसा वगैरह, कराची नसीब बिरयानी और स्वीट्स वगैरह, ये दुकानें सारी हैं राजा साहब। ये हमारी टाउनशिप की मेन जगह है, आप माशाल्लाह घूमते फिरते रहते हैं। ये जी सामने बिल्कुल बरकत चौक आ गया हुआ है, इस टाइम हम बरकत चौक में मौजूद हैं, और बरकत चौक के आपको मैं मनाजिर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 24 घंटे सलमान फार्मेसी खुली रहती है, यहाँ पर सलमान फार्मेसी 24 घंटे माशाल्लाह खुली रहती है यहाँ पर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह शॉप है, यहाँ पे मोहम्मद सलीम दुआखाना सलीम जरा, ये टाउनशिप में सबसे पुराना है, सबसे पुराना यहाँ पे ये सलीम जरा दुआखाना है, और ये शेख फार्मेसी है, और ये बरकत चौक से कॉलेज रोड पर, और ये रास्ता जा रहा है बरकत चौक पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी है, और दरख्वास्त है सब दोस्त अब वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको 6 ब्लॉक चौंक के भी मनाजिर दिखाते हैं जी। प्यारे भाई कहते हैं आप, ठीक है भाई, बंद करवाने के लिए कह रहे हो? ऐसे टाउनशिप को रोशन है, टाउनशिप में तबाद बंद होना चाहिए, लोग रहते हैं, लोगों को तक दिखा रहे हैं। अपना पेज है टाउनशिप का, और ऑफिशियल पेज है, इस पर लोग फिर देखते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट होती है, क्या नाम है पेज का? अभी लाइक टाउनशिप लाहौर ऑफिशियल। आपकी कौन सी शॉप है? हमारी दोस्त का उस दिन आया था वो भाई, तो कह रहे थे मैं वो लाइव बनाया था, मैंने सुबह के टाइम आया था, मैं आया था उस दिन। हमारे शख्सियत भी है ये, ठंडे और माशाल्लाह गर्मी को मारने के लिए मरीना पी रहे हैं मल्ला करवर खोकर साहब। ये मैं आपको दिखाता हूँ आसफ बीफ एंड शॉप, उस पर ये भाई होते हैं हमारे, मास्क नीचे करें। हर जगह ही होता है प्यारे भाई। और यहाँ पे भाई कौन कौन सा गोश्त होता है आपके पास भाई? छोटा बड़ा मिक्स ही होता है, मिक्स का भी होता है, ऊँट का भी होता है। और ऊँट का कौन कौन से दिन मिलता है गोश्त? सिर्फ संडे को। ये संडे को ऊँट का गोश्त भी मिलता है यहाँ से आसफ बीफ शॉप पे। इसका मैं आपको तस्वीर खींच के भी फेसबुक पर लगा देंगे जो दोस्त अब आप पूरे, मेरे ख्याल में भाई पूरे टाउनशिप में यहाँ से ही ऊँट का गोश्त मिलता होगा। एक आगे भी है, अच्छा चाचू है चोर के साई आगे पोपी। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं कहना यार, कोई बात नहीं, टाउनशिप पूरी आवाज़ सुनती है यार, कोई बात। चले इंशाल्लाह मैं शॉप पे आऊँगा संडे वाले दिन। कितने बजे ऊँट करेंगे आप? नहीं टाइम बताएं, कितने बजे करते हैं? मैं आ जाऊंगा उस दिन इंशाल्लाह ताला, फिर कवरेज करेंगे। ओके ज़्यादा था फिर अल्लाह ना ना जी। नाजरीन ये KNK वाले बारबेक्यू पराठा शॉप है, और ये
के एन की स्टेट पे है। और ये जी मोहम्मदी निहारी है टाउनशिप की सबसे पुरानी और सबसे पहली शॉप निहारी वाली शॉप ये है। और आप देख सकते हैं जी ये माशाल्लाह मोहम्मदी निहारी है। लॉकडाउन की वजह से ये इन्होंने अपना सिटिंग ऑफ की हुई है और माशाल्लाह वैसे आप देख सकते हैं अल्लाह का शुक्र है कि रोन के बहाल हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई, आप आएँ यहाँ पे मोहम्मदी निहारी पे टाउनशिप में सबसे अच्छी और सबसे जायकेदार सबसे पुरानी शॉप यही है मोहम्मदी निहारी, असल नाम यही है। और ये बाबा जी की तस्वीर भी लगी हुई है। लाए भाई आज तक लाइव कवरेज पारो वायरस की जी। बादशाह भाई आजकल लोगों का क्या रुझान है आने जाने में? काफ़ी लोग आ रहे हैं और पार्सल लेके जा रहे हैं। सही, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। टेक भी ओनली है, बैठने की सीटिंग जगह नहीं है और काफ़ी ज़्यादा रुझान है। आपके पास मेन्यू में जो मेन चीज़ें हैं वो बता दें, सुनने वाले भी हैं देखेंगे भी। वो हमारे पास निहारी होती है, चिकन निहारी, मगज निहारी, मटन निहारी और नली मगज भी होता है और उसमें प्राइस भी होते हैं। चले इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। ये जी टाउनशिप के मनाजिर हैं जी, 6 ब्लॉक चौक आपको दिखाते हैं हम। 6 ब्लॉक चौक के मनाजिर हैं जी, ये 6 ब्लॉक है। ये फैसल बर्गर है पुराना और ये हाजी जूस शॉप है। और यहाँ पे ट्रैफिक के निज़ाम भी आप देख सकते हैं, ट्रैफिक यहाँ पे वैसे ममूल में बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ममूल में भी ट्रैफिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। और ट्रैफिक जो है ना ममूल में भी बहुत ज़्यादा रहती है, ना रोड बनता है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप 6 ब्लॉक चौक दिखा रहे हैं हम आपको। राजा भाई वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ये जी पुलिस वालों का डाला भी जा रहा है। ये ट्रैफिक है जी, आप देख सकते हैं पीछे भी।